यार मैं भी अभिषेक को बहुत मिस करती हूँ एंड उतना वक्त नहीं मिल पाया। आई विश वो जब बाहर आए उसके बाद हमारी बॉन्डिंग हो एंड ऑल द बेस्ट, मेरे लिए वो इस शो के विनर रहेंगे। सी आई विश मुझे एलविश के साथ थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिलता, मुझे लगता है बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है एंड मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद आ रहे हैं एंड ऑल द बेस्ट टू एलविश। बट फिर भी अगर मुझे दोनों में एक चूज करना पड़े तो मैं अभिषेक को चूज एंड उतना वक्त नहीं मिल पाया। आई विश वो जब बाहर आए उसके बाद हमारी बॉन्डिंग हो एंड ऑल द बेस्ट, मेरे लिए वो इस शो के विनर रहेंगे। देखिए ना, बारिशों में हम रोमांस कर रहे थे शरद और मैं, और यहाँ पर हम एक्शन कर रहे हैं और अब वो एपिसोड आने वाला है जिसमें हमारा फुल ऑन एक्शन है, तो इसमें तो रोमांस का मौका नहीं मिला। जी थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ और जब मेरे प्यार करने वाले मेरे दोस्त मेरे साथ होते हैं, थैंक्स टू पलक और मेरी बेस्ट फ्रेंड सतरूपा भी यहाँ आई है, तो यू नो दोनों मेरे बहुत करीबी लोग आज मेरे मुझे सपोर्ट करने आए, मैं बहुत खुश हूँ। लोगों को काम पसंद आया, मेरा लुक पसंद आया, परफॉर्मेंस पसंद आया, सो आई एम हैप्पी कि ये शूट मैंने किया एंड थैंक यू टू संतोष गुप्ता जी जिन्होंने मुझे हनी ट्रैप स्पॉट दिया एंड थैंक्स टू ऑल। देखिए ना, बारिशों में हम रोमांस कर रहे थे शरद और मैं, और यहाँ पर हम एक्शन कर रहे हैं और अब वो एपिसोड आने वाला है जिसमें हमारा फुल ऑन एक्शन है, तो इसमें तो रोमांस का मौका नहीं मिला। बट आगे भी कुछ और आ रहा है मेरा और शरद का, आई थिंक लोगों को ये जोड़ी काफी पसंद आ रही है, तो ये जोड़ी शायद रुकने वाली नहीं है। जी देखिए, जिक्र में और लोगों के दिल में हम रहे यही चाहती हूँ मैं एंड बस यही, तब जब आपका जिक्र होता है लोग आपको याद करते हैं तब पता है कि आपने कुछ अच्छा किया है, मैंने कुछ अच्छे दोस्त कमाए शो से, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं भी अभिषेक को बहुत मिस करती हूँ एंड उतना वक्त नहीं मिल पाया। आई विश वो जब बाहर आए उसके बाद हमारी बॉन्डिंग हो एंड ऑल द बेस्ट, मेरे लिए वो इस शो के विनर रहेंगे। सी आई विश मुझे एलविश के साथ थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिलता, मुझे लगता है बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है एंड मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद आ रहे हैं एंड ऑल द बेस्ट टू एलविश। बट फिर भी अगर मुझे दोनों में एक चूज करना पड़े तो मैं अभिषेक को चूज करूँगा। गाइज थैंक यू, इतना प्यार किया आपने मेरे गाने को और आप हनी ट्रैप स्क्वाड को भी इतना ही प्यार करिए और इसके बाद भी कुछ आने वाला है उसको भी करिए। थैंक्स फॉर ऑलवेज लविंग मी, थैंक यू।